पहले हमने आपको सुनाया सीआरबी के डायरेक्टर एसी तेजपाल ने कैसे 12 लाख करोड़ रुपए के महाघोटाले का खुलासा किया। अब सवाल ये कि ये घोटाला हुआ कैसे, कैसे इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी ने चिट्ठी लिखकर सीआरबी को टैक्स चोरी की जानकारी भेजने से रोका, सारे सबूत हम आपको दिखाएंगे। पहले देखिए इनकम टैक्स का सीआरबी, आपको हम बताते हैं इनकम टैक्स का सीआरबी क्या है। देश के सबसे बड़े महाघोटालों का खुलासा करने वाली सीआईबी मतलब है सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्रांच। सीआईबी देश के सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्टरेट टैक्सेस डिपार्टमेंट यानी सीबीडीटी के अंदर काम करता है। सीआईबी का काम है भारतीय नागरिकों की कमाई और खर्च पर नजर रखना, कौन कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, कहां कहां खर्च कर रहा है। सीआईबी बैंक, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और जमीन जायदाद की रजिस्ट्री के कागजातों से खर्च और कमाई के आंकड़े जुटाता है। अगर किसी ने टैक्स चोरी की हो तो नियम के मुताबिक सीआईबी ये जानकारियाँ आयकर विभाग तक पहुँचाती है, जिसके बाद आयकर विभाग टैक्स चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है। लेकिन पिछले 5-6 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आयकर विभाग ने चोरी के मामलों के खुलासे पर ही रोक लगा दी और 12 लाख करोड़ से ऊपर का महाघोटाला सामने आ गया। बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव डिपार्टमेंट है, अगर इसको सही तरीके से चलाया जाए तो अपना इनकम टैक्स का रिकवरी बहुत ज्यादा हो सकता है। मगर ये नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि एक तो मैं जैसे वापिस बता रहा हूँ कि एक तो पॉलिटिकल प्रेशर प्लस टेक्नोलॉजी भी काम नहीं कर रही है और उनको जो मैंने सुना था कि उनको काम भी नहीं करने दिया जा रहा है। देश के 17 मेट्रो और बड़े शहरों में सीआईबी काम कर रही है। खुलासे के मुताबिक पूरे देश में सीआईबी के 350 स्टाफ ने मिलकर पिछले 5-6 साल में 17 करोड़ मामलों की जानकारी जुटाई। सभी मामलों की पड़ताल की जाए तो ये घोटाला 20 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच सकता है। 1992 में जब सीआईबी की स्थापना हुई तब कर चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए एक सिस्टम बनाने की बात की गई थी, लेकिन खुलासे के मुताबिक आयकर विभाग ने इस सिस्टम को काम करने ही नहीं दिया। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, वापस लौटेंगे और बताएंगे अब इस मामले में जांच की बात कौन कह रहा है।